जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं उन्होंने बहुत ही कम वसाइल के अंदर वो कारनामा सा अंजाम दिया है जिसको पाकिस्तान की टूरिज्म की हिस्ट्री के अंदर याद रखा जाएगा आइए उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उन्हीं की वीडियो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं तो मैंने इसको घुमाई के शोबे में कदम रखा 1999 में तो मैंने को घुमाई के शोबे में यूँ ये कदम रखा तो जिसे कहा जाता है कातिल बहादुर किरण मोंडन जो कहा जाता है उसको मैंने टॉप किया टॉप करके जो है पाकिस्तान के लाल परचम ले रहा है 2004 में गोल्डन जुबली थी इटालियन तो उसमें 1999 से लेकर 2004 तक जो है 393 फाइनल आए मुख्तलिफ कंट्री का केटो किसी को नहीं हुआ 5 साल तो अल्लाह के फजल व करम से मैंने 2004 में मैंने केटो टीम को कदम रखा तो मैंने नीचे से लेकर टॉप तक मैंने रस्सी फिक्स किया तो 65 नफर मुख्तलिफ कंट्री का 65 नफर ने केटो को क्रॉस किया 2006 में मैंने 2 हाइस्ट पीक है एक जी टू का आ जाता है उसका 8035 मीटर उसका हाइट है जी वन जो कहा जाता है उसका 8068 मीटर उसका हाइट है सब दिन के अंदर मैंने 2 हाइस्ट पीक किया तो पाकिस्तान के अंदर मैंने 4 पूरा किया तो 5वां पीक जो है जिससे कहा जाता है ब्लॉक की 8047 मीटर मैंने 2007 में मैंने पाकिस्तान के अंदर 5 की 5 पूरा किया एक टोलना वो फिर मैंने 2009 पे जरदारी साहब से मुलाकात किया तो प्रेजिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे 62 लाख रुपये से नवाजा किया तो मैंने अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान में हमारा ए आई शिकरी साहब भी उसमें है मैं भी मेम्बर हूँ तो मैंने अल्पाइन के थ्रू जाकर जो है मैंने दुनिया की सबसे ऊँची पहाड़ माउंट एवरेस्ट जो करी थी विदाउट ऑक्सीजन 4 दिन के अंदर मैंने एवरेस्ट को टॉप किया एवरेस्ट टॉप के ऊपर मैंने अपना प्यारा परचम लहराया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलम भी मैंने लहराया पहला मुसलमान हूँ मैं वाहिद तो पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तानी झंडा भी लहराया वहाँ पर अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का भी जो हमारा झंडा था वो भी मैंने वहाँ पर लहराया तो मैं फर्स्ट पाकिस्तानी का मुझे एहसास है बहुत बहुत शुक्रिया